कुछ लोग हिंदू राष्ट्र चिल्लाते हैं। हमें क्षमा किया जाए यदि हम कहें, नहीं हम इस बात पर जोर दें कि वे एक भारी भूल कर रहे हैं और उन्होंने अभी तक राष्ट्र शब्द के अर्थ ही नहीं समझे। हम भविष्यवक्ता नहीं, पर अवस्था हमसे कहती है कि अब संसार में हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता, क्योंकि राष्ट्र का होना उसी समय संभव है जब देश का शासन देश वालों के हाथ में हो। और यदि यह मान भी लिया जाए कि आज भारत स्वाधीन हो जाए या इंग्लैंड उसे औपनिवेशिक स्वराज्य दे भी दे, तो भी हिंदू ही भारतीय राष्ट्र के सब कुछ न होंगे। और जो ऐसा समझते हैं हृदय से या केवल लोगों को प्रसन्न करने के लिए भी, वे भी भूल कर रहे हैं और देश को हानि पहुंचा रहे हैं। वे लोग भी इसी प्रकार की भूल कर रहे हैं जो टर्की या काबुल, मक्का या जेद्दा का स्वप्न देखते हैं, क्योंकि वे उनकी जन्मभूमि नहीं। और इसमें कुछ भी कटुता न समझी जानी चाहिए कि यदि हम उनसे कहें कि उन सभी की कब्रें भी इसी देश में बनेगी और उनके मरसिए यदि वे गाने योग्य होंगे तो इसी देश में गाए जाएंगे। परंतु हमारा प्रतिपक्षी नहीं, राष्ट्रीयता का विपक्षी मुंह बिचका कर कह सकता है कि राष्ट्रीयता स्वार्थों की खान है। देख लो इस महायुद्ध को और इनकार करने का साहस करो कि संसार के राष्ट्र पक्के स्वार्थी नहीं है। हम इस विपक्षी का स्वागत करते हैं, परंतु संसार की किस वस्तु में बुराई और भलाई दोनों बातें नहीं है? लोहे से डॉक्टर का घाव चीरने वाला चाकू और रेल की पटरियां भी बनती है, और इसी लोहे से हत्यारे का छुरा और लड़ाई की तोपे भी बनती है। सूर्य का प्रकाश फूलों को रंग बिरंगा बनाता है, पर वह बेचारा मुर्दा लाश का क्या करे जो उसके लगते ही सड़कर बदबू देने लगती है। हम राष्ट्रीयता के अनुयायी हैं, पर वही हमारा सब कुछ नहीं, वह केवल हमारे देश की उन्नति का उपाय भर है। गणेश शंकर विद्यार्थी।